महज 1.5 साल के भीतर तमिलनाडु की सियासत ने 2 बड़े दिग्गज नेताओं को खो दिया। 1 साल पहले AIADMK प्रमुख जे जयललिता और अब DMK प्रमुख करुणानिधि का निधन हो गया। तमिल की सियासत में इनका क्या कद था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इनके जाने के बाद एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसका भर पाना मुश्किल है। जे जयललिता के जाने के बाद पार्टी में फूट पड़ गई थी। पार्टी पनीर सेल्वम और पलानी स्वामी के बीच 2 हिस्सों में बट गई थी, तो अब DMK को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं। पिछले 1.5 साल से करुणानिधि के छोटे बेटे MK स्टालिन DMK के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन इस दौरान उनकी राजनीतिक क्षमता को लेकर भी कड़ी चुनौती मिली। स्टालिन के नेतृत्व में DMK 2016 का विधानसभा चुनाव हार गई, वो भी ऐसे समय में जब राज्य में सत्ता विरोधी लहर थी। यही नहीं, जयललिता के निधन के बाद खाली हुई आर.के. नगर सीट पर भी DMK उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। ये DMK के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 70-80 के दशक में DMK के पास दूसरी पंक्ति के नेताओं की लंबी सूची थी और करुणानिधि जैसे मझे हुए नेता का नेतृत्व, लेकिन आज DMK पारिवारिक लड़ाई में फंसी हुई है। MK स्टालिन को गाहे बगाहे बड़े भाई MK अलागिरी से चुनौती मिलती रहती है। ऐसे में कमजोर हो रही DMK और AIADMK में बिखराव से BJP की उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में BJP एक ऐसी पार्टी बन गई है जो किसी भी राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इन 2 बड़े नेताओं के जाने से राज्य की राजनीति में आए खालीपन को भरने के लिए BJP जी जान से जुट गई है। वहीं तमिल सिनेमा के 2 बड़े चेहरे कमल हसन और रजनीकांत भी यहां की सियासत में एंटर कर चुके हैं। ऐसे में अपनी पार्टी को मजबूत बनाए रखना DMK और AIADMK की सबसे बड़ी चुनौती होगी।